इंदौर हादसे के पीड़ितों से मिले कमलनाथ, बोले हमारी सरकार बनी तो हर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स बनाएंगे। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में हुई 36 मौतों से शहर शोक में डूबा है। हादसे के तीसरे दिन शनिवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने नगर निगम और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। घायलों और उनके परिजन ने बताया कि हादसे के 2 घंटे बाद तक कोई रेस्क्यू नहीं किया गया। कलेक्टर और आईजी ऐसे घूमते रहे जैसे टाइम पास कर रहे हों। नगर निगम कुछ नहीं कर सका। शाम 5:30 बजे NDRF की टीम आई। एप्पल हॉस्पिटल में एक घायल ने कमलनाथ से कहा, बावड़ी में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, इससे भयानक बदबू आ रही थी, नीचे गैस बन गई जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, अंदर काफी पानी था जिसमें कई महिलाएं और बच्चे डूब गए, कुछ लोग कीचड़ में फंस गए, रस्सी के सहारे लोगों को ऊपर खींचने की कोशिश की गई लेकिन रस्सियां ही टूट गई। कमलनाथ ने कहा कि इंदौर को स्मार्ट सिटी कहते हैं, इस हादसे ने हकीकत उजागर कर दी। हमारी सरकार आने के बाद हर जिले में रेस्क्यू रैपिड एक्शन फोर्स बनाई जाएगी जो किसी भी हादसे पर 15 मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। एक महिला ने कमलनाथ से कहा कि बावड़ी से लोगों को निकालने के लिए पहले नगर निगम को बुलाया गया लेकिन वे लोगों को नहीं निकाल सके, फिर भोपाल से टीम बुलाई गई, जब ये भी कुछ नहीं कर पाई तब कहीं जाकर महू से NDRF को बुलाया गया। प्रशासन ने इन्हें पहले क्यों नहीं बुलाया? कमलनाथ ने कहा कि घटना बेहद दुखद है, विडंबना है कि आर्मी भी घटना के 12 घंटे बाद पहुंची। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों में जबरदस्त आक्रोश है। मंदिर परिसर की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था लेकिन उसे हटाया नहीं गया। पीड़ितों ने जो भी व्यथा और पीड़ा बताई उसे लेकर हम सभी मांग राज्य सरकार के सामने रखेंगे और नहीं मानने पर कोर्ट की शरण लेंगे। इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय सरकार को दे रहे हैं। NP टाइम्स की रिपोर्ट।